प्यारे दोस्तों, राजा ने सजाया मानसू को, सजाकर खोज लेकर के अब नर्मदा धाम जाते हैं। नर्मदा धाम की खोज लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी मोतिनी को नहीं पता हमारे पति महाराज देवर को लाए हैं, देवर को लेकर के चुपके जा रहे हैं, अभी नहीं पता है। अब राजा ने मानसू क्या करें, भैया खोज सजाए भैया नर्मदा रमा भैया, चुपके चलना है। भाभी को आज मिलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? हम तुमको चलना है दूसरी रानी के लेने के लिए, अगर भाभी को मिलोगे जान जाएगी। चाचा तो देवी देवर भाभी को नातो इधर हो, देव जीजा सारी को नातो इधर हो। भाभी कुमार सही है, जीजा भले ही चाहे एक आखी गोए सारी कहीं जीजा, तो वो आता एक आंखी वादा खुलियो के वो आचन में आंखी ना वो हाल तब तक होन लगे सारी के मोलमा और देवर है तो नहीं भले नहीं आ रहा कि नहीं आ बस तो ही कहीं देवर है काम करी कोई पानी भला रपटी देवर मर जाए भाभी के में चले जाए। देवर भाभी को चीजा सारी ना तो गलत हो। अब तुम बताओ भाभी को मिले या रात में? ना ना कतई ना, चुप के घर की फौज सजा ले निकल ले। तो सुनो मेरी बात, पछेड़क सजवा ले हिंद निकल ले। तो सुनो हां, खड़ा पछेड़ा अगर निकलते हैं चुप के, बस चुप के निकलना है। हां सजा पछेड़ा, अरे अरे छेड़ा बात है ये। आज हम हमारे भैया मनसुख ये फौज सजवा कर चलते हैं सोमवार को। अच्छा, सोमवार की आज तारीख आ रही है, बड़े बड़े राजा सबको खबर हुई, सब जाएंगे। लड़की एक और दुल्ला बहुत से जाएंगे। सोमवार में उसने कहा कि हमारा मन का जो बर होगा हम माला लेकर समाज में टहलोगी, जो हमारे मन का बल होगा उसको माला पहना वही हमारा पति बनेगा, उसने ये प्रण रखा है। सब राजा जाएंगे वहाँ जमा होंगे, तो चलो हम तो चलेंगे। उसके बाद में हमारी तो इच्छा है हमारा माला पड़ेगा फिर देखा जाएगा, और यही से चुपके निकलना है फौज सजा करके, क्योंकि हमारी रानी मोतिनी जान जाएगी फिर वो जाने नहीं देगी, और जाने नहीं देगी तो हमारा विवाह नहीं होगा, और इस रानी के साथ हमारा विवाह हो विवाह हो चुका है, इसके कोई औलाद होती नहीं है। जब औलाद नहीं है, औलाद बिना जिस आदमी के औलाद नहीं उसके कुछ नहीं है। बिना औलाद संसार सुना है, हमारी बावन जिला तहसील है, अगर औलाद नहीं दिया तहसील कैसे चलेगी? तैयार हो जाओ, तैयार है सवार हो जाते हैं। अब पछेड़ा को क्या याद आती है? प्यारे दोस्तों, राजन ने कहा चुपके निकले, लेकिन पछेड़ा को आज क्या उनासी आती है? तैयार हो जा पागल, आप खुशी वाली बात तुमने हिंकार लगा दी है, हो सकता है तुम्हारी
जरूर आएगी। तो श्री राम सज्जनों, जिस समय दानवगढ़ से राजा नल गोत्री को चले थे, उस समय गोत्री ने कहा था कि हमारा बिना राजपति महाराज कहीं तुमको सजवाए तो एक बार हिंकार लगा देना। बछेड़ा को आता आई वही तो बछेड़ा ने हिंकार लगा दिया और मोतनी जान गई। तो प्यारे दोस्तों क्या हो रहा महाराज? आप इतने सजाते कहां रखते हो? खुशी हुई भैया, खुशी में दुनिया वो हमारी गाँव ने बजा पर ये बता रहे हैं इतने तैयार होकर इस शादी वाले कपड़ा पहन के कहाँ जाते हो? शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के शादी कपड़ा पहन क्यों जाता है? शादी का जब धरे बहुत उनके कोई ना ही कहो जेब लगा दे शादी कहो न तो ना जाते हो कहीं शिकार खेल नहीं मैं क्यों? मुझे अपनी सच सच मुझे बात बताइए, उससे मुझे चैन नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं कहीं नहीं जंगल में जा रहा शिकार खेलने के लिए। ये बात हम नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। श्रीमान सज्जनों, देवन की परी मोतनी जान जाती है पति आप धोखा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आज बात क्या होती है? का तुम्हारे मन में है? अरे अब से कहें कहा का भैया नहीं घर में बैठे बैठे पसर हो जाए घर में पसर हो कुछ आज ना जानते आज जरूर चाहिए। नहीं महाराज मेरा जीत जी आपको मैं कहीं तो नहीं जाएंगे। अब तो हमें बताए ना तुम जाती कहा जाती गई आओ जा देखा महलवा क्या बता हमें तो ने बताए हमें बताई तो हमें कब बताई हमें कोई ना बताई हमें कब मालूम ना है तुम दूसरी शादी करने लेके जा रहे हो महाराज। मैं जब तक जीवित रहूंगी महल में तब तक कोई आप दूसरी शादी नहीं आ रही हमारी बात सुनो। तुम जानती हो पूरी बात